तो हेलो दोस्तों एंड व्हाट्सएप। तो भाई ये एक ऐसा समय है ना भाई, जिस समय में पूरा दुनिया का लकी पड़ी है, बट फिर भी कुछ अजीब पशुओं को शांति नहीं है भाई। पहले इन लोगों ने कोरोना भेजे और अभी इन लोग आर्मी भेज रहे हैं कि भाई सामने वाला देश को जीने ही नहीं देना है, इन लोगों को जिंदा मार दो, कुछ भी करो बस जीने मत दो इन लोगों को। तो भाई हम भारतवासी हैं तो हम भी कैसे हार मान ले इन लोगों से। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये एक बॉयकॉट बॉयकॉट नाम का गेम है, इसको चालू कर दिया। बट ये बॉयकॉट में ना किसी को घंटा नहीं मालूम कि ये बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। कोई जाके दुकानदार को बॉयकॉट कर देता है, कोई मोमो को बॉयकॉट कर देता है। हाँ मैं पर्सनली बताता हूँ कि मोमो मेरा फेवरेट खाना है। तो भाई वो अपना देशवासी है, उन लोगों पे जाके मत निकालो। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ, सही से बॉयकॉट कैसे करें, मतलब समझ रहे हो भाई कि तुम लोग सब सही से कैसे बॉयकॉट कर पाओगे, कैसे तुम लोग ये जंग जीत पाओगे। हाँ भाई उसी का ज्ञान आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसा मोबाइल एप्स बोलने वाला हूँ जो कि आप डिलीट कीजिए, अपने अकाउंट को बंद कीजिए और इन लोगों को लगा दीजिए। और भाई पहले ही बता देता हूँ कि प्लीज जो भी लोग ये वीडियो से ऑफेंड होते हैं भाई, उन लोगों को मेरा ऑफेंड ऑफेंड करने का कोई मोटिव नहीं है और ना ही था भाई। तो एंजॉय करें इस वीडियो को और देखिए कि कौन कौन सा प्राणियां है ऐसे। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारा पहला एप्लीकेशन लेके। कैरी भाई ने भी बोला था कि कोरोना और टिकटॉक एक ही देश का प्राणी है। बस बस भाई इससे भी आगे बढ़ चुका है कहानी, देख लो खुद ही देख लो ये क्या कर रहे हैं टिकटॉक के साथ, क्या क्या परमिशन मांग के रखा है जरा देखना। कैमरा ठीक है भाई, हम अपना शक्ल दिखाते हैं। माइक्रोफोन अच्छा भाई चलो तब भी मान लिया हमारा वॉइस लेता है, वैसे तो आधे लोग मुजरा करते हैं कोई नहीं, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्डिंग के लिए। फिर आ जाता है स्टोरेज, वैसे स्टोरेज का तो उतना कुछ जरूरत पड़ता नहीं है, क्लाउड में भी स्टोर करते हो सकते थे, बट कुछ लोग होते हैं ना जिन लोगों को स्टेटस लगाना होता है, उन लोगों के लिए होता है ये स्टोरेज। अपने फोन पे डाउनलोड करो और दूसरों को ज्ञान बांटो। बट ये कॉन्टैक्ट्स किस लिए है भैया, किसका बारात में जाता है ये कॉन्टैक्ट्स भाई, दूसरों को अपना चैनल पे इनवाइट क्यों करे भाई, अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। ये है खेल, ये है चाइनीज लोगों का चाल, ये तुम लोगों का कॉन्टैक्ट्स निकालता है अपने पास रखता है और उसका गलत फायदा उठाता है, कुछ भी भेजता है कहीं पे भी भेजता है, कोई भी क्राइम कोई भी हैकिंग इसी तरीके से होता है भाई। और ये मत सोचना कि यहाँ पे चीजें खत्म हो जाता है, ना 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 ना, ये देखो फिर अब यहाँ पे देख लो ये क्या क्या निकालते हैं, परमानेंट नोटिफिकेशन। अच्छा भाई मान लिया नोटिफिकेशन, वैसे तो नोटिफिकेशन रीड करने का एक्सेस एक ही बार ही मिलना चाहिए, ठीक है भाई हमने दे दिया इसे नोटिफिकेशन रीड करने का परमिशन। और क्या क्या मांग रखा है देख लो, डिस्प्ले पॉपअप विंडोज वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड। अच्छा बेटा समझ पा रहे हो बातें, मतलब इन लोगों के पास कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है या कुछ भी आता है शकल पे दिखा देने वाले हैं, ये वायरस आता है अपना एड भेज देगा तुमको एडमॉब के थ्रू। भाई यहाँ पे मैं एडमॉब को बेसी नहीं मारना चाहता हूँ तो उसको साइड में रखे। एडमॉब एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपना ऐप के अंदर
एड्स डाल सकते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हो या नॉर्मल में दिखाना चाहते हो जब जो आपका ऐप है वो रनिंग कंडीशन में है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये ऐप कॉन्स्टेंटली रन करता है, कभी चुप नहीं होता ये ऐप, ये बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तुम्हारा परमिशन के दे दो तो वो रन करता रहेगा। और होम स्क्रीन शॉर्टकट और शो ऑन लॉक स्क्रीन, भाई शो ऑन लॉक स्क्रीन ये वाला परमिशन देख रहे हो? हाँ, माना कि इसको हम मतलब अलाउंस इसको क्लोज कर सकते हैं, बट स्टिल भाई जिसको नहीं मालूम है वो इसको अलाउंस दे के रखेगा और उसका डेटा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम। तो भाई हमारा दूसरा एप्लीकेशन, इस प्राणी का नाम है कैम स्कैनर। इसका नाम कैम स्कैनर की जगह पे स्कैम स्कैनर भी नाम रख सकते थे भाई, क्योंकि जो एक काम ये करता है वो है पब्लिक के साथ स्कैम। नहीं भाई ये मजाक नहीं है, लॉकडाउन का पीरियड है, सारे स्कूल्स कॉलेजेस ऑफिसेस सब बंद है भाई, तो हमें डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, लोगों के पास हमारा डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंच रहा है भाई, स्कैन कॉपी पहुंच रहा है। अब तुम बोलोगे कि स्कैनर तो बंद है, सारे स्कैनिंग का दुकान बंद है, तो कहां से लाए स्कैनर, खरीद ले स्कैनर्स? नहीं नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमने निकाले कैम स्कैनर। तो ये कैम स्कैनर किस किस का परमिशन लेकर बैठा है, चलो आ जाओ देखते हैं। कैमरा, तो ठीक है भाई कैमरा अच्छी बात है, कैमरे से हम स्कैन करते हैं अपने डेटा को, कोई बात नहीं साइड में रखो। स्टोरेज, हाँ भाई हम मतलब स्कैन करके तो बेच तो नहीं देंगे ना, तो वो तो स्टोर करना पड़ता है, तो ये भी जायज है। स्टोरेज भाई यहाँ पे लोकेशन का क्या काम है भाई, शेयर तो ये करेगा नहीं, वो तो करने वाले अपना व्हाट्सएप भैया, तो ये क्या कर रहा है? और साथ में भैया टेलीफोन का भी मांग लेते हो, अबे स्कैन करने आया हूँ कॉलिंग करने नहीं, तो ट्रू कॉलर किस बात का है, उससे कर लेते हैं कॉलिंग, तो ये क्या कर रहा है भैया, सुधारो इन लोगों को भाई, देख रहे हो भाई इसको गलत नहीं होगा, इसका नाम स्कैम स्कैनर है भाई, स्कैम स्कैनर। आ गया हो, यहाँ पे खत्म नहीं होता है भाई, ये देखो कैम स्कैनर का बाकी, डिस्प्ले पॉपअप विंडोज वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड, वाह भैया। भाई ये सब देखने के बाद ना हमें एक ही बात बोलना चाहिए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग, और कितना करोगे चोरी, खुद कुछ तो खुद का रख लो भाई, देख रहे हो स्कैमिंग का हद कहाँ पे जा सकता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं अपना गुस्से को जायज रखते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा है, जो बच्चे से बूढ़े जवान से छुड़े हर कोई यूज करता है, जिसका नाम है शेयर इट। कुछ भी भेजो इसमें से, चाहे ऐप हो ओबीबी फाइल्स हो, चाहे वो स्कैम ऐप हो, चाहे वो हैक ऐप हो, कुछ भी मान लो, वायरस भी भेज दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भेजना आना चाहिए। तो आ जाओ देखते हैं इसका परमिशंस क्या क्या मांग रखा है इन लोगों ने। कैमरा, वाह भाई कैमरा, नहीं भाई किस बात का है कैमरा, तू फोटो खींचेगा, डीएसएलआर है, डीएसएलआर का पापा है जो फोटो खींचने आया हमारा इधर। भाई लोगों को उल्लू बनाने का एक हद होता है, तू उस उल्लू बनाने का हद में ना पीएचडी ले चुका है। फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट से कुछ हद तक हम मान सकते हैं, बट आगे क्या है भाई, कुछ काम नहीं होता, वो पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन लेके बैठ जाता है। फिर क्या करता है, कॉन्टैक्ट लेता है, अपना देश में बेच दो, बेच दो भैया बेच दो, सबको बेच दो, कोई फंक्शनलिटी नहीं होता भाई कॉन्टैक्ट का। अगर तुम नंबर टाइप करके दूसरे को मैसेज भी कर दोगे ना तब भी चला जाता है। लोकेशन, अच्छा बेटा लोकेशन का क्या करेगा तुम, किसका मैयत में बेचेगा लोकेशन को? भाई लोकेशन एक ऐसा चीज होता है ना जो जीपीआरएस से तुम्हारा घर का एड्रेस तक पता करके निकल जाएगा, अगले को पता नहीं लगेगा।
तुम्हारा हर एक ऐप में देख रहे हो लोकेशन लोकेशन लोकेशन, भाई तुम्हारा हर एक डेटा ये लेके जा रहा है। माइक्रोफोन किस बात का है, स्टोरेज तो तभी भी मैं मान लिया कि स्टोरेज से हमारा डेटा शेयर होता है, बट टेलीफोन किस बात का है, हम कॉलिंग करते हैं उससे, हम फोटो खींचते हैं, हमारा कुछ नहीं करते ना, पर फिर भी इन लोगों ने मांग के रखा है। और सिर्फ यहां पे नहीं खत्म होता, आगे भी देखो, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, वाह बेटा ये मांगते हैं इंफॉर्मेशन। भाई तुम्हारे पास एंड्रॉयड है तो ये एक आमने सामने झूठ बोलना हो जाता है। मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, अबे तुम अपना जितना भी सिस्टम फाइल था वो बेच रहे हो, ये बेच के ले जा रहे। चेंज वाईफाई कनेक्टिविटी, भाई चेंज वाईफाई कनेक्टिविटी, वाह बेटा तुम एक वाईफाई पे हो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, कैसा लगेगा, दिल के अंदर से एक ही बात आएगा। और इसके अलावा देखते जाओ, अभी भी शो ऑन लॉक स्क्रीन मान लिया, पर डिस्प्ले पॉपअप विंडो, अबे डिस्प्ले पॉपअप विंडो क्यों देखे भाई तेरे पॉपअप विंडो को हम, पता है ये पॉपअप विंडो कब आता है, जब तुम्हारा डिवाइस पे एक वायरस है जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स, वो आ जाए, वो घुस जाए, तब जाके ये चीज होता है। पर ना भाई, हम तो करेंगे, हम तो डीट है, हम पैसे कमाएंगे, हम डेटा बेचेंगे। भाई समझ पा रहे हो एग्जैक्टली कौन सा स्कैम हो रहा है? तो चलो भाई इससे अगला वाला ऐप के ऊपर चलते हैं हम। अगला वाला ऐप है यूसी, यूसी ब्राउजर और यूसी ब्राउजर मिनी, ये वही ऐप है। हाँ भाई ये वही ऐप है जिसपे हम लोग वीपीएन यूज करके अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। और वो वीपीएन के बाद क्या यूज होता है, देखो लोकेशन, भाई तुम इस पे वीपीएन यूज करके ना तब भी बच सकते हो, पर कुछ लोग होते हैं हमारा देश में जो कोई वीपीएन यूज नहीं करता, डायरेक्टली सर्च मार लेते हैं, तो तुम्हारा लोकेशन, जिसका लोकेशन सर्च किया उसका लोकेशन सब कुछ लेके हमारा प्यारा सा चाइना देश लेके भाग जाता है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो मजे से मतलब है भाई, यही सीन है। ये हर एक परमिशन को अलाउ करके रखेगा, तुम्हें बोलेगा आओ देखो, हमें देख लो भाई कैमरा, ये किस बात का है भाई, तुम ब्राउजर यूज कर रहे हो अचानक से तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाए, भाई ये तभी होता है कोई एक तीसरा बंदा जो कि उसका सर्वर पे बैठा हुआ है वो अचानक से वो फीचर उधर से ऑन कर दे और तुम्हारा पूरा घर का एक फोटो उठा ले। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा बेचने का काम ना हमारे इधर नहीं होता, अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स के साथ जुड़ा होता है ये, तो भाई सतर्क बनो, इन लोगों को परमिशंस मत दो। और सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे देखो फिर से मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, तुम्हारा फुल फोन कंट्रोल ले सकते हैं ये, ईच एंड एवरी चीजें को ये कंट्रोल कर सकता है। चेंज वाईफाई कनेक्टिविटी, भाई वाईफाई कनेक्टिविटी एक ऐसा कनेक्टिविटी है ना जो अगर चेंज हो गया तो रातों रात क्या बोल रहा हूं मैं, विद इन सेकेंड्स तुम्हारा हर एक डेटा निकल जाएगा, तुम्हें कोई खबर तक नहीं हो पाएगा। चेंज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, भाई ब्लूटूथ का क्या जरूरत पड़ेगा हमें, ब्लूटूथ तभी यूज होता है जब फोन टू फोन ट्रांसमिशन होता है, तो ये क्या करना चाहता है, फोन टू फोन ट्रांसमिशन करा के हमारा डेटा बेचना चाहता है। भाई यही चल रहा है हर एक एप्लीकेशन में। सो कमिंग डाउन टू आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि है हमारा क्लब फैक्ट्री, भाई क्लब फैक्ट्री वो एप्लीकेशन है जिसका जुड़वा भाई अली बाबा भी है। इसमें तुम्हें इज्जत और इंसान ये दोनों को छोड़ के सब कुछ मिलने वाला है, और वो भी बहुत कम प्राइस में, मतलब तुम ऐसे मान लो आलू अगर बाजार पे 50 रुपए का है तो इसमें तुम्हें 20 रुपए का मिल जाएगा, आधे से ज्यादा चीजें तो मतलब फेक होता है। पिछले दिन मैंने कुछ चीजें ऑर्डर किया, एक घड़ी ऑर्डर किया, भाई वो घड़ी का डमी निकला, तुम समझ पा रहे हो, 300 का, 6,000 का घड़ी ऑर्डर कराओगे 500 रुपए में, घड़ी का डमी लगा पकड़ा के निकल जाएगा। और इन लोगों का हरामीपना सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, परमिशंस को देख लो, कैमरा,
बारकोड स्कैन करेंगे हम, कॉन्टैक्ट्स भाई, कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप से भी शेयर हो जाता है, तू क्या करेगा कॉन्टैक्ट्स का, किसका मैयत में लगाएगा? लोकेशन, चलो ठीक है भाई, डिलीवरी के लिए लोकेशन लग जाता है। माइक्रोफोन का क्या करेगा, गाना सुनेगा, बहुत गंदा सुनाएंगे। स्टोरेज भाई साहब, स्टोरेज क्या डाउनलोड करेंगे, क्या डाउनलोड करेंगे हम, गाना डाउनलोड करेंगे भाई, 4K पे मूवी डाउनलोड करेंगे या पबजी मोबाइल डाउनलोड करेंगे? वैसे वो भी एक चाइनीज ऐप है, नहीं मतलब उसका चाइनीज ऐप नहीं है, ठीक ठीक है भाई, वो कंट्रोवर्सी में बाद में आते हैं। टेलीफोन कॉल लगाएंगे दोस्तों को, नहीं जियो वाले तो कम पड़ गए थे ना हमारे इधर, जो तुम लोगों से टेलीफोन का सर्विस लेना पड़ रहा है अभी हमें, भाई समझ पा रहे हो? सिर्फ यहाँ पे इन लोगों का हरामी पना खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे फिर से देखो, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, तुम्हारा पप्पा का सेटिंग्स है इधर, तुमसे फोन खरीदे थे हमने तुम्हारे पैसे से, तो तुम्हें हम दे दे मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, चेंज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं वो सिर्फ रिटेलर को पता होना चाहिए, ना कि मेरा पड़ोसी को जो साइड में ब्लूटूथ ऑन करके बैठा हुआ है, बोल रहे कि भैया अपना डेटा दे दो, ऐसा ना होना चाहिए, बट इन लोग करेंगे और हम करवाते रहेंगे। और देखो डिस्प्ले पॉपअप विंडोज, भाई वो सेम सीन है इधर, वो भी पॉपअप करता था, ये भी पॉपअप करता है, कोई फर्क नहीं है इन लोगों में, खुदक खुदक के बाहर आते ही है। तो आओ भाई अपना गर्मी को अंदर रखते हुए अगला ऐप की तरफ चलते, अगला ऐप है लड़कियों का जान, टिकटॉकर का शान, ब्यूटी प्लस। इसमें आपका चेहरे पे 400 फिल्टर थोक दिया जाता है, जो कि मैदा का ब्यूटी से भी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, आप कैटरीना कैफ हो या कोई और हो, बट आप हीरोइन जैसा दिख सकते हो, कोई बात नहीं है, बस आपको इतना करना है अपने डेटा को चाइना को बेच देना है, फिर आप कुछ भी चाहे देख लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैमरा का परमिशन चाहिए, अच्छा ठीक है मान ले कैमरा का परमिशन चाहिए तेरे को, तू अपना शक्ल पे मैदा थोपेगा तो चाहिए होगा, कुत्तों का फिल्टर लगाएगा तो चाहिए होगा, स्टोरेज चाहिए होगा तेरे को। हाँ वो कुत्तों वाला फोटो हमारा मुंह पे चिपकाने के बाद कहीं पे स्टोर भी करना पड़ता है, तो उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए होता है। माइक्रोफोन किसके लिए चाहिए? अच्छा तो आजकल ब्यूटी प्लस हमारा मुंह पे कुत्तों का फिल्टर थोपने के साथ साथ कुत्ते वाला आवाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, जिसके लिए इन लोगों को माइक्रोफोन चाहिए? भाई साहब इन लोगों को देखो बस, इन लोगों का हरामी बना जाता नहीं है, खून खून में बह रहा है इन लोगों का हरामी पाना। और देखोगे, रुको दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, रुको देख लो फिर से वही वाला आ गया, डिस्प्ले पॉपअप विंडोज वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड। क्या करें हम इन ढीठ ऐपों का, पता नहीं भाई, तुम लोग की मर्जी है भाई, मुंह पे फिल्टर थोपना है या कुत्ते वाली आवाज निकालना है, हम क्या करें, हम अगले ऐप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला ऐप जिसका नाम है हेलो, जो हेलो बोलने के अलावा सब कुछ करता है, तुमको बोलेगा इस ऐप को 50 बंदों के साथ शेयर करो, तुम्हें हमें 300 रुपए देंगे, वो भी एक दिन में नहीं, पहला दिन में आपको 1 रुपए मिलेगा, दूसरे दिन में आपको 2 रुपए मिलेगा, तीसरे दिन में आपको 3 रुपए मिलेगा, चौथे दिन में आपको 10 रुपए मिलेगा, ऐसे करते करते 10 15 20 30 40 50 करते करते आपको 1 साल में 300 रुपए मिलेगा। भाई लॉजिक है ये, कोई हम फुद्दू बैठे इधर, जो फेसबुक छोड़ के हम हेलो ऐप यूज करें, जो इंस्टाग्राम छोड़ के हम हेलो ऐप यूज करें, नहीं भाई वो तो फुद्दू है ना, मार्क भैया इतना मेहनत करके वो दोनों एप्लीकेशन बनाया है क्योंकि हम हेलो ऐप यूज करेंगे और अपना डेटा दूसरों को बेचेंगे। वैसे नहीं भाई उसमें भी बेचा ही जाता है, ठीक है कोई नहीं, सॉरी भैया,
आपको थोड़ा बेइज्जती कर दिया, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास परमिशन है, चलो देखते हैं कैमरा ठीक है भाई पोस्ट करने के लिए। कॉन्टेक्ट भी मान लिया, चलो ले लेगा कॉन्टेक्ट ले लेगा, खुश रहे। बट ये लोकेशन का क्या काम है, हम कहाँ मर रहे हैं, इन लोगों क्या चाहिए। अबे हम लोकेशन क्यों चिपकाए भाई, अब इन लोग ना कुछ होते हैं जो कि अंदर से गुस्सा निकालते हैं, और कुछ होते हैं जो बाहर से दिखाते, नहीं भाई हम बहुत शांत हैं, हम बहुत शरीफ हैं, और बोलते हैं कि अपना डेटा दे दे, हम तो बाहर भी गुस्सा निकालेंगे, तेरा डेटा बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। लोकेशन बेच दिया, अगले दिन टेररिस्ट अटैक हुआ तो वो शेल्टर ले लिया, तुम्हें मार दिया, तुम खत्म हो गए। बस मेरे को इतना कहना है कि हम ये जितना भी एप्स मैं आपको बता रहा हूं ना, प्लीज यूज मत करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, आपका डेटा लिया जा रहा है और बेच दिया जा रहा है बाहर, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है आपका, कुछ भी नहीं हो रहा है आपका। इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारा एप्स है, वो यूज करो ना भाई। टिकटॉक मत यूज करो, टिकटॉक की जगह पे मित्रों यूज कर लो, अगर इतना ही नाचने का मतलब चुल मची हुई है। वैसे तो भाई क्या ही बोले हमारा अलग अलग भाइयों को, तो ये ऐप प्लीज यूज मत करो। आगे तुम हेलो ऐप यूज मत करो भाई, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम कम पड़ गया था क्या क्या भाई, जो हेलो ऐप पे आ गए तुम लोग। तो भाई प्लीज यार उन दोनों को चेंज करो भाई, अपना आदतों को बदलो। कैम स्कैनर मत यूज करो ना भाई, कोई और स्कैनर यूज कर लो, अपना फोन का डिफॉल्ट स्कैनर यूज कर लो अगर जरूरत पड़े, बट मत करो ना। अगर तुमको इतना ही जरूरत है ब्यूटी प्लस का, तो ब्यूटी प्लस मत यूज करो, B612 यूज करो, उसमें वैसे भी ज्यादा फिल्टर्स आता है, और इतना फिल्टर चाहिए क्यों जिंदगी में, रियल बनो ना। किसने मना किया है तुमको, रियल बनो भाई। क्लब फैक्ट्री, अली एक्सप्रेस भाई, अमेजन और फ्लिपकार्ट कम पड़ गया था क्या, जो ये दोनों को हमको उठाना पड़ा। भाई मेरा दिल से एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज इन लोगों को बॉयकॉट कर दो भाई, देश का हालत बहुत खराब है, प्लीज इस जंग में साथ दो भाई हमारे। एक एक ऐप को बॉयकॉट करो, एक ना एक दिन वो लोग भी समझेंगे कि इंडिया किस कैपेबल है भाई। और भाई एक और बात है कि तुम लोग को एक कंफ्यूजन था कि ये जो पबजी मोबाइल है ये एग्जैक्टली क्या है, तो जैसे कि तुम सामने देख सकते हो यहाँ पे दो कंपनी का है, एक है तुम्हारा लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियोस और है टेंसेंट गेम्स, और एक है पबजी कॉर्पोरेशन। पबजी कॉर्पोरेशन में बता दो अपने लोगों को, एक साउथ कोरियन कंपनी है, और टेंसेंट गेम्स एक ऐसा चीज है जो कि चाइना का प्राणी है। तो भाई एज अ होल देखा जाए तो पबजी पीसी जो गेम है ये तुम्हारा साउथ कोरियन कंपनी से बना हुआ था, और पबजी मोबाइल जो है वो साउथ कोरियन कंपनी ने एक चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप करके बनाया था। तो भाई ये तुम्हारी मर्जी है तुमको एग्जैक्टली क्या करना है, और बट मेरा एक रिक्वेस्ट है पबजी कॉर्पोरेशन से कि प्लीज आप लोग टेंसेंट गेम्स को हटा दीजिए इधर से, क्योंकि भाई हम लोग एक कंप्लीटली बॉयकॉट करना चाहते हैं इस सारा चाइनीज प्रोडक्ट्स को, तो प्लीज साथ दीजिए। और जो जो मैं ऑल्टरनेटिव्स बताया वो यूज कीजिए। एंड ऑफ द डे बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जितना भी एप्स मैंने आपको बताया अभी अभी यूज मत करो, जंग में साथ दो, साथ लड़ेंगे साथ जीतेंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। और भाई ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है भाई, सो एम करते हैं 100 लाइक्स की, पता है आप लोग कर दोगे, बस कर देना भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टाटा गुड बाय।